हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मेरे चैनल क्रिएटिव रीना आप सबको स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक तोरण का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये वाला जो तोरण पट्टी है ऊपर का, वो हम पहले मेरे चैनल पे डाल चुके हैं। ये मैं सिंपल तरीके से बनाया है, तो देखिए कुछ इस तरह से है। ये मैं अभी आपको फ्लावर बना के बताएंगे किस तरह से मैं बनाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह का मैं फ्लावर्स बना के आपको दिखाएंगे किस तरह से मैं इसको बनाई हूँ, किस तरह से मैं फ्लावर्स बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये ऑरेंज कलर का धागा लेंगे, तरह से बीच का हम बनाएंगे। इस तरह से धागा को लेंगे, देखिए ऐसे, ये देखिए, ये वाला धागा को ऐसे हाथ से बड़ा सा ऐसे लूप लेंगे और इस तरह से ऊपर से इसको खींच लेंगे धागा को। यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और टू डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन बनाने के बाद धागा को ऐसे खींच लेंगे। ये वाला धागा को हम खींच लेंगे, इस तरह से खींच लिया इसको। फिर 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, हमें टोटल 16 बनाना है। और ये लास्ट का जो देखिए, ये वाला जो चेन है, इसके अंदर से इसको जॉइंट कर देंगे। फिर ये धागा को हम काट लेंगे, और पीछे वाला भी धागा हम काट लेंगे। फिर इस तरह से के बाद हम इस कलर का धागा हम जॉइंट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन चेन लेंगे और यहाँ पे देखिए, ये 7 चेन लेने के बाद धागा को इस तरह से 2 बार हम इसको घुमा लेंगे और ये जहां से हम शुरुआत किया यहाँ पे ही हम इसको इस तरह से 1 2 और 3 बार इसको बना लिया है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 2 ये 2 डबल क्रोशिया जो है इसको छोड़ के बनाना है। फिर इसको धागा को 2 बार इसमें घुमा लिया और इसके अंदर से 2 छोड़ के, ये देखिए 1 और 2 2 छोड़ के इसको 1 2 3 टोटल 3 बार इसको हम बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर इसको 2 बार धागा को घुमाएंगे और फिर इसी में जिसमें बनाए हैं इसके अंदर हम डाल लेंगे 1 2 3 3 बार बना लिया। उसके बाद देखिए और 3 चेन नहीं बनाएंगे, इसके अंदर से फिर हम
ये 1 2 2 छोड़ के यहाँ पे बनाएंगे। धागा को दो बार ले लेंगे और ये देखिए दो हम छोड़ के 1 2 3। इसके बाद देखिए हम 3 बार चेन लेंगे, 1 2 3 बार चेन लेंगे और दो बार धागा घुमा लिया है और इसी के अंदर हम 3 बार बनाएंगे, 1 2 3 बार बनाएंगे। इस तरह से भी स्टिच जैसे इसका डिजाइन आएंगे। फिर हम इसको फिर दो छोड़ के बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3। देखिए फिर 1 2 3 चेन लेंगे और दो बार इसको धागा को घुमा लेंगे और इसी के अंदर से हम 1 2 3 और फिर 1 2 छोड़ के इसके अंदर बना लेना है, 1 2 3। इसके बाद 1 2 3 चेन, फिर धागा को दो बार घुमा लेंगे, देखिए एक बार दो बार। फिर हम इसी के अंदर से 1 2 3, फिर हम दो बार धागा ले लेंगे और यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 ये टोटल हम 8 बार बनाएंगे। दो के बीच में डाल दिया, फिर 1 2 3 धागा को दो बार हम घुमा लेंगे, इसके अंदर डाल लेंगे और 1 2 3, फिर हम दो छोड़ के धागा दो बार ले लेंगे, 1 2 3, फिर 1 2 3 चेन, फिर दो बार धागा को घुमा लेंगे। जितने बार हम बनाएंगे दो बार हम धागा को क्रोशिया के ऊपर डाल लेंगे और इसके बीच में इसी में से डाल देंगे, 1 2 3। तो हमारा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट का हमें बनाना है। देखिए दो के बीच में 1 2 3 1 2 3 चेन, दो बार धागा घुमा लेंगे इसके अंदर से, 1 2 3। इसके बाद देखिए इसको हम जॉइंट कर देंगे यहाँ पे जो 7 चेन लिया था, 1 2 3 ये 3 है इसके बीच में, 1 2 3 और ये 4 का जो चेन है यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर हम धागा को काट लेंगे, फिर इस तरह से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ इस तरह से। जब हमारे ये फ्लावर बन जाएंगे तो ये इस तरह से फ्लावर हो जाएंगे। इसके बाद हम ब्लू कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा भी शेप में है इसी में हम धागा को डाल लेंगे, 1 2 3, 2 3, फिर 1 2 3, ये 4 चेन और ये देखिए इसके बीच में से इस तरह से बनाना है, फिर 1 2, ये 3 बना लिया है। इसके बाद ये वाला जो भी है इसके अंदर हम इसको डाल लेंगे, फिर 1 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, ये हो गया, फिर 1 2 3 4 चेन और इसके बीच में हम डाल लेंगे, फिर 1 2 3,
फिर हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से, 1, 2 चेन, ये 2 चेन का ये 1 हो गया और ये डबल क्रोशे जो मैंने 2 बनाया तो टोटल हमारा 3 हो गया। फिर 1, 2, 3, 4 चेन लेंगे और इसके इस तरह से ये वाला जो चेन है ऐसे इसको बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1, 2, 3 और फिर दोबारा यहाँ पे फिर 1, 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, तो टोटल हमारा ये 3 हो गया। फिर 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 ए 3। फिर हम यहाँ पे तो देखिए इस तरह से हमें फ्लावर को कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखिए ये वाला जो कोटी ये मेरे चैनल पे है, देखिए इसको हम इस तरह से रखेंगे ओके। और ये वाला फ्लावर्स हम एक एक हम फ्लावर्स डाल देंगे, देखिए इस तरह से एक हम यहाँ पे छोड़ देंगे और इसको हम यहाँ पे दोनों में ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये वाला जो डिजाइन है ये एक छोड़ देंगे और यहाँ पे रख के दोनों में इसको ज्वाइंट कर देंगे यहाँ से। तो हम इसको इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, एक एक इसको छोड़ के ये दोनों में इस तरह से ज्वाइन। एक हम बता देते हैं किस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इसका ये मैंने ये हमारा राइट साइड है, इसको उल्टा कर देंगे इस तरह से रखेंगे ऐसे। ये हम एक निडिल लिया है और यहाँ पे हम इस तरह से इसको अच्छे से बांध लेंगे। और इसको भी हम इस तरह से सुई को डालेंगे और यहाँ पे भी ये जो 3 है 3 के बीच में हम इसको डाल लेंगे। तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हम छोड़ देंगे और यहाँ पे भी हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको बांध लेंगे अच्छे से। और ये वाला भी कौन मतलब हम दो दो इसको बांध लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको देखिए फ्रेंड इस तरह से थोड़ा दूरी पे इसको बना के इसके बाद हम पूरा इसको जितना हम फ्लावर्स बनाए हैं इसको ज्वाइन करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैं कंप्लीट कर लिया है और इसको ऊन को काट के मैं इस तरह से मोती लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। तो मेरा तोरण कुछ इस तरह से है। उम्मीद करूंगी आप सबको पसंद आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।